नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 3 दिनों तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान 10 से 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सफाई, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए अभियान चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए 3 दिनों के बंद का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक पूरे प्रदेश में समस्त कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार व गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान 10 से 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सफाई, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए बड़ा अभियान चलेगा। इस अभियान की निगरानी के लिए शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारी जिलों में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने COVID-19 महामारी की वर्तमान स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद कोरोना संक्रमण और इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू व काला बाजार जैसे संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए शासन व फील्ड के अधिकारियों को बृहस्पतिवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अंतर्गत 10 से 12 जुलाई तक प्रस्तावित स्वच्छता अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई के प्रातः 5 बजे तक सरकारी दफ्तर, बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे जाएंगे। इस प्रतिबंध के दौरान रेलवे, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं और औद्योगिक कारखानों का संचालन पूरी तरह जारी रहेगा, पर परिवहन निगम केवल रेल से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों का ही संचालन करेगा। इसके अलावा यूपी रोडवेज की सेवाएं का प्रदेश के अंदर आवागमन बाधित रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य, चिकित्सा व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले ही तरह होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।